वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने जा रही हूँ किस तरीके से आप अपने आंखों के आसपास के डार्क सर्कल्स, काले घेरे को दूर कर सकते हो और किस तरीके से आप अपने आंखों के रिंकल्स और फाइन लाइंस को दूर कर सकते हो। तो आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है, तो वीडियो को फुल वॉच करना। आज मैं आप लोग के साथ डू एंड डोंट भी शेयर करने जा रही हूँ, साथ ही बहुत ही बढ़िया से होम रेमेडी भी शेयर करने जा रही हूँ जिसका रिजल्ट आपको बहुत ही जल्दी और बहुत ही फास्ट देखने को मिलेगा। तो चलो, करना क्या है वो मैं आपको बता देती हूँ। अपने आप को जितना हो सके हाइड्रेटेड रखो, खीरा खाओ, ककड़ी खाओ, ढेर सारा पानी पियो, साथ ही अपनी नींद पूरी लो। सनस्क्रीन अगर यूज नहीं करते हो तो अब समय आ गया है सतर्क हो जाने का कि बस अब सनस्क्रीन आप यूज करना शुरू कर दो, क्योंकि धूप में जाने से भी फाइन लाइंस और झुर्रियां बहुत जल्दी देखने को मिल जाती है। इसलिए सनस्क्रीन कोई भी आप ले सकते हो जिसमें SPF 30 हो, कम से कम SPF 30 हो। साथ ही नींद एकदम बिल्कुल आपको पूरी तरीके से लेनी है ताकि आपकी आंखों को रेस्ट मिल सके। रात को सोने जा रहे हो, सोने से पहले आप अच्छे से अपने फेस को क्लीन कर लो किसी भी फेस वॉश से जो आपको अच्छा लगता हो। अच्छे से क्लीन कर लो, उसके बाद फेस को किसी भी ऑयल से जरूर मसाज किया करो, ठीक है। अपने आंखों के आसपास अपने फेस को अपर की तरफ अच्छे से एकदम धीरे धीरे अपने हाथों से सर्कुलर मोशन में मसाज करना नहीं आता है, तेल लो हल्का सा, बस ऐसे हल्का हल्का सा सर्कुलर मोशन में मसाज कर लो, ठीक है। सिंपल सा तरीका है। पानी सूखने से पहले, आपके फेस को ड्राई होने से पहले ये आपको अच्छे से ऑयल से मसाज करना है। अब बात आती है किस ऑयल से मसाज करें, तो इसके लिए आप ऑलिव ऑयल ले सकते हो, विटामिन ई की ऑयल ले सकते हो, बादाम का तेल ले सकते हो या फिर कोई वर्जन कोकोनट ऑयल भी ले सकते हो। इतना सारा मैंने आपको ऑप्शन दे दिया है, तो कोई सा भी आप यूज कर सकते हो। इसका रिजल्ट आपको बहुत ही ज्यादा फास्ट देखने को मिलेगा। तो अब बात कर लेते हैं होम रेमेडी की, तो वो क्या है चलो वो भी मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ, ठीक है। तो चलिए बना लेते हैं हमारा आई पैक। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने लिया एक चम्मच गुलाब जल। गुलाब जल डालते हुए वाला जो वीडियो था ना वो डिलीट हो गया। उसके बाद मैंने एक चम्मच दही इसमें लिया है, ये हमारी स्किन को डीपली मॉइस्चराइज करेगा, हमारी स्किन से पिगमेंटेशन को दूर करेगा। उसके बाद मैंने इसमें लिया है एक चम्मच हनी, ये हमारी स्किन में नमी को लॉक करके रखेगा और हमारी स्किन से सन बर्न, पिगमेंटेशन, डार्क सर्कल्स को दूर करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा। इन तीनों को हम अच्छे से मिक्स कर देंगे, दाना ना रहे। और इसे लगाने का तरीका है ना थोड़ा सा अलग है, इसलिए वीडियो को फुल वॉच करना। इसे लगाने के लिए आप दो कॉटन ले लेना, नॉर्मल सा कॉटन मैंने लिया है, बहुत ही इजी से आपको मिल जाएगा, आपके घर में ही होगा। और इस पैक को ना मैंने इसमें अच्छे से डाल दिया है, ठीक है, आप देख सकते हो अच्छे से मैंने इसमें डाल दिया। दो चम्मच के करीब, ढाई चम्मच के करीब ये वाला पैक बना था और इसे मैंने अच्छे से इसमें डाल दिया है। तो ये कुछ इस तरीके का है और हमारी कटोरी भी खाली हो गई है, हमने थोड़ा सा भी इसमें वेस्ट नहीं किया है। अब मैं बताती हूँ आपको इसे लगाने का तरीका। अपनी स्किन को अच्छे से पहले आप क्लीन कर लेना, उसके इस कॉटन को आपको एकदम आराम से अपने आँखों पे कुछ इस तरीके से रख लेना है और आराम से 10 मिनट के लिए आपको छोड़ देना है, कहीं लेट जाना है। इससे आपकी आँखों की जो जलन होगी वो ख़त्म हो जाएगी, आपकी आँखों को काफ़ी ज़्यादा अच्छा वाला रिलैक्स मिलेगा और आपकी आँखें बहुत ही ज़्यादा ठंडक महसूस करेगी। आप जैसे ही हटाओगे ना, आहा, इतना ज़्यादा आपको अच्छा लगेगा ना, आपकी आँखें बहुत ही ज़्यादा फ्रेश महसूस करेंगी। हल्का सा मसाज देना कुछ सेकेंड्स के लिए और उसके बाद अपने फेस को आप धो लेना। इस आई पैक को आपको कम से कम हफ्ते में 5 दिन यूज़ करना है, उसके बाद आप देखना डे बाय डे आपकी फाइन लाइंस और झुर्रियाँ बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। सो गाइस, आई होप आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। तो मिलती हूँ अगले वीडियो में, सो टिल देन बाय बाय।